जेल के अंदर उस भगत सिंह से कहती है कि रे भगत सिंह, दिल छोटा ना कर, तेरी माँ आज तेरे साथ में है, तू अगर फांसी में चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तेरे जैसे वीर भगत सिंह और भी घने बतेरे हो जाएंगे। आइए एक रागनी के द्वारा क्या कह रही थी। सोहपड़े मुसीबत बटे रई सुमर जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। और ये 50 रुपए भाई कन्हैया जी पचेरी। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ में देशभक्ति के इस रागनी के अंदर सभी इस भारत के रहने वाले हैं, भारत के अंदर अगर भारत के अंदर रहते हैं तो भारत माता के लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि हर देश के आगे माँ नहीं लगता, सिर्फ ये भारत ही है ऐसा कि इस देश के आगे माँ लगता है, भारत माता कहा जाता है। आइए रसो सोह पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा घबरा बंद मकान में हो भगत सिंह कद जी घबरा घबरा बंद मकान में रसो सोह पड़े मुसीबत बेटा सो सोह पड़े मुसीबत बेटा जवान में भगत सिंह कद जी घबरा Bye.
इतनी बात सुन के वो भगत सिंह क्या कहने लगा, ओ हरि करम अपना करे जे, हरि करम अपना करे जे, ए वतन तेरे, ओ दिल दिया है जान भी दे दे, ए वतन बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे जाने के बाद में मैं क्या करूंगी, रहिंद मैं तेरे गीत सुनूंगी, हिंद मैं तेरे गीत सुनूंगी, हिंद मैं तेरे गीत सुनूंगी, हिंद मैं तेरे गीत सुनूंगी, कटे तेरी माम को फेर बढ़ूंगी, कटे तेरी माम फेर बढ़ूंगी, कटे तेरी माम बढ़ूंगी, अगले जन्म मैं फेर चढ़ूंगी, अगले जन्म उस भगत सिंह का बुलावा आ जाता कि भगत सिंह चलो तुम्हारी फांसी होने वाली है। तो भगत सिंह एक बात कहते हुए चलता है, ओ कर चले हम पिता चार साथियों, कर चले हम पिता चार साथियों, अब तुम्हारे हवाले साथियों, कर चले हम पिता जो भी भारत माता को मानते हैं अपने दोनों दोनों हाथ उठा के एक बार भारत माता के लिए जयकारा लगाए, बोले भारत माता की। अरे भगत सिंह का जी मेरा भारत माता की जय हो।